एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हो गए। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है। जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब की करवट बदले। जी मैं बस ये कहना चाहता था कि आपके अफसाने दिल दहला देते हैं। ठंडा गोश्त पढ़कर तो मेरी नींदें हराम हो गई थी। आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। क्या जरूरी है हर बात पे लोगों को उकसाना? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? ए? तो क्यों ना लिखूं उनके बारे में? गोरी फैन करो। वो चकली की रंडी मेरी हीरोइन हो सकती है। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब यह है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस को जेल भेज रही है, हुकूमत हमारे साथियों के पीछे पड़ी है। सच तो हर किसी नहीं बोलना चाहिए, वो सफे फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। आप ऐसे ही पीते और लिखते रहे तो हम कहीं। लेकिन इन्हीं से तो मैं जिंदा हूं। गुस्ताफ रॉबर्ट की कहानी मदाम बुआरी, जेम जोस की किताब यूलिसस को भी फैंसी का इल्जाम झेलना। मैं आर्टिस्ट हूं, मैं जेल में मरना नहीं चाहता। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार।